छोड़ना कब है ये कैसे पता चले? जब आपको किसी मोटिवेशनल गुरु की आवश्यकता पड़ने लगे तब आपको छोड़ देना चाहिए। क्या आप अपने आप को एक IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर या एक पब्लिक सर्वेंट बने देखना चाहते हो? क्या आपके अंदर चाहत है, वो इच्छा प्रबल है इतनी ज्यादा कि जो 20-25 लाख लोग बैठेंगे उनमें सबसे ज्यादा इच्छा आपकी है? तो आप आंख बंद करके कूद जाओ, आपका 100% होगा। आपके अंदर टैलेंट है नहीं है, कितने घंटे आप आज पढ़ाई कर सकते हो नहीं कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो IPS में जैसे पावर ज्यादा होती है या IAS में पावर ज्यादा होती है? पावर किसी के पास नहीं होती है, पावर सिर्फ उस पद की होती है जिस पद पे आप बैठते हो। अमिताभ बच्चन जी आए थे हीरो बनने के लिए तो उनके पास इंदिरा गांधी जी का लेटर था, और तुम यहाँ पर आए हो एक वॉचमैन का रिकमेंडेशन लेके। अभिषेक जी, दी अरुण पंडित शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपकी जब पर्सनालिटी को देखते हैं तो जैसे मैं जब हिस्ट्री पढ़ा करता तो जो पुराने फिलोसोफर हुआ करते थे सुकरात, कैंट, तो ये फिलोसोफर भी थे, फिजिसिस्ट भी थे, केमिस्ट भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, सब कुछ थे। और आज के इस ज़माने में एक ही इंसान के अंदर बहुत सारे गुण देखने को कम मिलते हैं। तो आप एक वैसी पर्सनालिटी हैं, आपने UPSC क्लियर किया है, अभी IPS हैं, आप एक्टर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, सोशल एंटरप्रेन्योर भी हैं। सो इसके पीछे का माइंडसेट मैं जानना चाहूँगा कि दिमाग क्या चलता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। दिमाग बड़ा फ्री चलता है, दिल बहुत फ्री है, और मैंने जब से होश संभाला तो मैंने ये सोचा था कि मैं बहुत कुछ करूँगा अपने जीवन में, और कभी अपने आप को ना प्रोफेशनल जो डेफिनेशंस हैं एग्जिस्ट करती हैं उनसे नहीं बांधूँगा। तो अब अगर फॉर एग्जांपल मैं IAS ऑफिसर हूँ और मेरा मन करता है एक्टिंग करने का, तो अब लोग कहते हैं कि भाई जब तक आप IAS ऑफिसर का काम करते हो आप IAS ऑफिसर हो, जब आप एक्टिंग का काम करते हो आप एक्टर हो, आप सोशल एंटरप्रेन्योर हो, अगर आप कुछ ऐसे सिस्टम सेटअप करते हो जहाँ पे कि सोशल वर्क भी हो जाए और लोगों को 4 पैसे भी आ जाएँ, तो ये अलग अलग फील्ड्स हो गई, बट ये सब मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मैं इन सभी फील्ड्स में काम करना चाहता हूँ। ये अलग बात है क्योंकि प्रोफेशनल डेफिनेशन सबकी अलग अलग है, तो इसलिए लोग कहते हैं कि भाई आप मल्टीपल डायमेंशन में काम कर रहे हो, बट मैंने हमेशा से सोचा है कि जो दिल करे वही करना चाहिए, एक ही ज़िंदगी मिली है तो जो दिल में वो कर लो, नहीं तो फिर आपको हमेशा से के लिए अफसोस रहेगा कि यार ज़िंदगी बीत गई और जो चाहते थे वो कर ही नहीं पाए। और ये माइंडसेट कहीं ना कहीं इंडिया में ज़्यादा है, बाकी कंट्रीज़ में कम देखने को मिलता है, ऐसा भी है? देखिए, इंडिया तो हमेशा से फिलोसॉफिकली बहुत रिच कंट्री रहा है। हमने हमेशा से, जैसे आप धर्म का कॉन्सेप्ट लो, धर्म का कॉन्सेप्ट रिलीजन के कॉन्सेप्ट से एकदम अलग है, लोग समझ नहीं पाते हैं। धर्म का मतलब ये होता है कि कर्तव्य क्या है आपका। आप अगर एक पिता हो तो आपका क्या कर्तव्य है? तो आप चाहे किसी भी रिलीजन के हो, आपके पिता का कर्तव्य तो चेंज नहीं हो जाएगा। अगर आप क्रिश्चियन हो तो ऐसा नहीं कि आपके पिता का कर्तव्य कुछ और हो जाएगा, अगर आप इस्लाम फॉलो करते हो तो भी आप सेम ही रहेगा। तो जो धर्म का कॉन्सेप्ट निकाला हमने वो बहुत ही अलग था इन सब से। उसमें ऐसा नहीं था कि आप ये पर्टिकुलर फेथ फॉलो करते हो तो आप ऐसे रहोगे, और इसी वजह से आप देखो जो जो अथीस्ट हैं, जो भगवान में नहीं मानते, उनके लिए भी धर्म है, हमने उनके लिए भी धर्म प्रपोज किया। तो जब हिंदू की बात आई तो कि सभी लोग हिंदू हैं जो कि हिंदू वे ऑफ लाइफ को मानते हैं, तो इसीलिए कई बार इस तरह के लोग मिसइंटरप्रेट करते हैं इसको कि भाई आप क्या उनको भी हिंदुइज्म फॉलो कराना चाहते हो, तो ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि आप एक पर्टिकुलर कर्तव्य बताते हो कि जी पिता का ये कर्तव्य है, पुत्र का ये कर्तव्य है, विद्यार्थी का ये कर्तव्य है, एक चिकित्सक का ये कर्तव्य है, शिक्षक का ये कर्तव्य है, वो धर्म है। और कहीं ना कहीं जैसे रामायण है, महाभारत है, उसमें भगवान श्री राम ने भी एक बेटे का क्या कर्तव्य है, पिता का क्या कर्तव्य है, वाइफ का क्या कर्तव्य, भाई का क्या कर्तव्य, और हनुमान जी ने भक्त का क्या कर्तव्य है, बिल्कुल ये समझाया है। तो एक अच्छा जीवन जीने के लिए आप अगर इन धर्म के राह पे, जो उन्होंने कहा, जिसको धर्म कहा, तो अगर आप अच्छे कर्म करोगे, अपने कर्तव्य को, आप काम को अच्छे से करोगे, तो आपका जीवन अच्छा होगा, आप खुद भी सुखी होगे और लोगों को भी सुखी कर सकोगे। तो ये उसके लिए एक वे ऑफ लाइफ बनाया गया है, ये जीवन जीने का तरीका। अब जैसे UPSC इंडिया में, अभिषेक जी, लगभग हर साल 12-15 लाख लोग भरते हैं, फॉर्म भरते हैं, बिल्कुल, और बहुतों का सपना है, और कुछ सैकड़ों में कुछ चूज होते हैं। सो
अगर आप ऐसे कुछ बता सको कि क्या माइंडसेट रखना चाहिए जब आप इस एग्जाम के लिए आ रहे हो, प्रिपरेशन के लिए आ रहे हो, तो ताकि इंसान सुन रहा हो तो खुद जज कर ले अपने आप को। सी देखो, जज करना ना, तो आप अपनी काबिलियत की बात कर रहे हो, मुझे लगता है उससे ज्यादा आपको जज करना चाहिए अपने चाहत के ऊपर कि क्या आप एक्चुअली चाहते हो यूपीएससी क्लियर करना। क्या आप अपने आप को एक आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर या एक पब्लिक सर्वेंट बने देखना चाहते हो? क्या आपके अंदर चाहत है, वो इच्छा प्रबल है इतनी ज़्यादा कि जो 20-25 लाख लोग बैठेंगे उनमें सबसे ज़्यादा इच्छा आपकी है? क्या आपको ऐसा लगता है? तो आप उस पर जज करो। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप आंख बंद करके कूद जाओ, आपका 100% होगा। आपके अंदर टैलेंट है नहीं है, कितने घंटे आप आज पढ़ाई कर सकते हो नहीं कर सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी चाहत आपसे पढ़ाई करवाएगी, आपकी चाहत आपको सोने नहीं देगी, आपकी चाहत आपको थकने नहीं देगी, आपकी चाहत आपको कभी डीमोटिवेट नहीं होने देगी। लेकिन अगर चाहत नहीं है, अगर चाहत में कमी है, तो फिर ये शायद फील्ड आपके लिए नहीं है। जहां पे भी आपकी चाहत है आप उस फील्ड में जाइए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है। अच्छा, आसान होता है जैसे मम्मी पापा अगर होते हैं इस फील्ड में तो आसान हो जाता लोगों के लिए, जैसे आपके फादर रहे हैं? देखो, मेरे छोटी भाई है, मेरे छोटा भाई, मेरी छोटी बहन जी, उन दोनों का यूपीएससी क्लियर नहीं, मेरे छोटे भाई ने तो दिया ही नहीं, मेरी छोटी बहन का यूपीएससी क्लियर नहीं हो पाया। तो ऐसा नहीं है कि आसान होता है या मुश्किल होता है, यह है कि आपकी चाहत कितनी ज़्यादा है। जो मैंने बताया, तो मेरी सिस्टर को था कि चलो ठीक है भैया, मैं एक बार देख लेती हूँ, नहीं होगा तो मैं कुछ और कर लूँगी। तो ऐसा नहीं था, अगर ये नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूँगी, मुझे समझ नहीं आ रहा, इतनी ज़्यादा प्रबल इच्छा नहीं थी। तो मेरे भाई की थी ही नहीं, उसने कहा मेरे को देना ही नहीं है। तो ऐसा नहीं कि आपके फादर हैं या नहीं हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि आपके अंदर खुद में इंडिविजुअली आपके अंदर चाहत है कि नहीं। सर, आपने मतलब बड़ी बड़ी बात कही है। लोग, जैसे आपकी सिस्टर ने कहा कि नहीं हुआ तो कुछ और देख लूँगी, यूपीएससी एग्जाम में मैंने जो देखा है, शी इज़ डूइंग वेरी वेल। अभी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में शी इज़ वर्किंग एज अ हेल्थ एडवाइज़र। तो ऐसा नहीं कि ये नहीं हुआ तो ख़राब बात है, मतलब ऐसा जो लोग सुन रहे हैं ऐसा भी ना सोचें, ये मैं कहीं से नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप आज वो ज़्यादा खुश है, हो सकता है अगर वो आईएएस बन गई होती तो उतना खुश नहीं होती, वो ज़्यादा खुश है, उसकी अच्छी सुकून भरी अपनी ज़िंदगी है, आराम से अपने जाती है, अपना काम करती है, घर आती है। यहाँ पे तो कितने ज़्यादा टेंशन ही कितनी ज़्यादा हर एक चीज़ को लेकर के। यही चीज़ है सर कि वो छोड़ना कब है ये कैसे पता चले, क्योंकि आप तो जानते ही हो, मैंने भी बहुत देखा है कि 32-32 साल के हो गए हैं लोग, 21 साल की उम्र से शुरू किया था और लगे पड़े पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, और छोड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए भी नहीं छोड़ पा रहे कि इसके अलावा और क्या करें, कि हमें पता ही नहीं है, बस यही एक चीज़ पता है कभी ना कभी तो इसमें हो जाएगा। तो आपके हिसाब से कब मतलब होना नहीं कि भैया आप छोड़ दो, तुम्हारे लिए नहीं बनाइए? जब आपको किसी मोटिवेशनल गुरु की आवश्यकता पड़ने लगे तब आपको छोड़ देना चाहिए। आपको अगर लगता है कि मुझे पढ़ाई के लिए एक आदमी चाहिए जो कि मुझे मोटिवेट करे, या मैं कोई एक ऐसा वीडियो देखूं जिससे मुझे मोटिवेशन आ जाए, अगर आपको ऐसा लगने लगता है छोड़ दो फिर। तो मोटिवेशन बेकार चीज़ है? मोटिवेशन रिक्वायर्ड ही नहीं है। अगर आपको बहुत तेज़ भूख लगी है तो आप आकर ये कहो कि पहले मैं एक किताब पढ़ता हूँ कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, अब खाना खाने के लिए अपने आप को कैसे मोटिवेट करूँगा? आप पढ़ोगे क्या? आप तो जो रूखा सूखा होगा उठा के खा लोगे, कहोगे बाद में देखा जाएगा, ये कल का था आज का था मुझे नहीं पता, भाई अगर मैं खाऊंगा नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत तो नहीं होती ना। अगर आपके अंदर प्रबल इच्छा है तो क्या करना है मोटिवेशन का? मोटिवेशन तो शब्द ही नहीं समझ आता मुझे, इस शब्द का मतलब क्या है, किसके लिए? ये तो कमज़ोर लोगों के लिए जिनको कुछ करना ही नहीं है। तो अगर मान लो मुझे किसी से कुछ कराना है जो उसकी इच्छा के विरुद्ध है, तब ये शब्द काम में आता है कि अब मैं इनको मोटिवेट करूँगा कि यार मुझे आज जाने का मन नहीं कर रहा, मेरे को मीटिंग अटेंड करनी है, मेरा मन नहीं है, आज मैं अपने जूनियर को मोटिवेट करता हूँ, भाई तू जा करके अटेंड कर ले मीटिंग। ये हुआ है मोटिवेशन। अरे मुझे अगर अपने को ही मोटिवेट करना पड़ जाए कोई काम करने के लिए, इसका मतलब कि तो मेरी इच्छा ही नहीं है ना। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर मुझे किसी ने कहा, मेरे बॉस ने मुझे कहा कि अभिषेक आपको जा करके मीटिंग अटेंड करनी है, मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरा मन नहीं है, तो शायद मैं अपने आप को मोटिवेट करूँ कि यार कैसे जाऊँगा, यार चलो ठीक है सोचता हूँ कुछ करेंगे। अदरवाइज तो मोटिवेशन शब्द का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। आप जैसे इच्छा डिज़ायर की बातें कर रहे हो, आपको लगता है डिज़ायर ही पेन का कारण होती है?
अनफुलफिल्ड डिज़ायर पेन का कारण होती है, अगर डिज़ायर फुलफिल हो जाए तो फिर सेटिस्फैक्शन का कारण। आपकी सारी फुलफिल हो रही हैं। अगर फुलफिल नहीं भी हो पा रही हैं कुछ, तो आशा बहुत तगड़ी है कि वो फुलफिल हो जाएंगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि अनफुलफिल्ड, तो अनफुलफिल्ड अब तब मानते हो जब आप सरेंडर कर देते हो कि अब शायद ये नहीं हो पाएंगी। तो हारता वही व्यक्ति है जो सरेंडर करता है। अगर आपने अपने दिमाग में हार ही नहीं मानी तो फिर आप उस यात्रा पे चल ही रहे हो, तो आप लगातार संघर्ष जारी है, कभी ना कभी होंगी। पर जैसे कोई चीज़ें हैं जिसमें हम चाहें कि हम हार ना माने, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर टाइम है, वो टाइम तो निकल ही जाएगा, इवेंचुअली आप आउट हो जाओगे। ठीक है, वैसे कहने में ना बहुत फिलोसॉफिकल बात है, बट मैं ये मानता हूँ कि अगर आपकी इच्छा प्रबल है ना तो टाइम भी रिवर्स हो सकता है। अब सुनने में बहुत इलॉजिकल लगता है कि यार आप टाइम को कैसे रिवर्स कर सकते हो, क्योंकि सारे लॉजिक्स ने हमको ये समझाया है कि भाई टाइम ही सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जो लगातार चेंज होता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, और वो सिर्फ यूनिट डायरेक्शन लो एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, आप उसको पीछे रिवर्स नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी इच्छा प्रबल है तो आप समय को पलट सकते हो, और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया है। कोई पता है, कोई कहानी है आपके पास? बहुत सी कहानियाँ हैं, बताऊँगा आराम से। ठीक है, एक मेरा बड़ा पर्सनल क्वेश्चन भी है और कई लोग जानना भी चाहेंगे कि डिसिप्लिन आज बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, कि कैसे बनाए, उसके भी हज़ारों वीडियो पड़े हैं कि आप टू डू लिस्ट बनाइए, आप ये करिए, आप वो करिए। आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आपके बचपन से था या आपने खुद क्रिएट किया है? मेरे पिताजी ने क्रिएट किया, उन्होंने मुझे क्रिएट करके दिया है गिफ्ट में, और मुझे लगता है शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट है वो। और हम सभी बच्चों में उन्होंने डिसिप्लिन एकदम इंग्रेन कर दिया अंदर तक, कि जैसे खून के एक एक कतरे में डिसिप्लिन है। और ये ज़रूर है कि उन्होंने बहुत मार मार के हम लोगों को सिखाया, लेकिन डिसिप्लिन की वैल्यू क्या है ये मुझे जब मैं बड़ा हुआ तब समझ में आई। उस वक्त तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था कि यार क्या करा रहे हैं ये। क्या कराते थे? सुबह 4 बजे उठा देते थे, नींद आती रहती थी तो भी बैठ करके पढ़ना है। बहुत से लोग मुझे बताते थे कि भाई जब नींद खुले ठीक से तभी पढ़ो, क्या ज़रूरत है ऐसे करने की, लेकिन वो सुनते नहीं थे। और शाम मुझे को नींद नहीं आती जल्दी, तो रात में 10 बजे लाइट ऑफ हो जाएगी तो मैं सोना ही सोना है। अब मैं जगा रहता था, मुझे नींद ही नहीं आती थी और सुबह मेरी नींद नहीं खुलती थी, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे होती थी। बट वो कर करके, क्योंकि उसके बाद फिर और कोई टाइम नहीं है, आगे का पूरे दिन में आप सो नहीं सकते, एक एक घंटे का आपको हिसाब देना है, तो प्रोडक्टिविटी हैम्पर होने लगती है। हिसाब देने वाले पिताजी को? हाँ, एक एक घंटे का हम लोग को लिखना होता था आपने इस घंटे में क्या किया। वो कहते थे तुम खुद देखो तो तुम्हें खुद शर्म आएगी कि तुम कितना समय वेस्ट करते हो। तो हम लोग को सबको, सारे बच्चों को पूरा ऐसा टाइम टेबल होता था कि जब स्कूल से आप आए तो आधे घंटे में अपने आप ने चेंज कर लिया, खाना पीना खा लिया, उसके बाद से हर एक एक घंटे का आपको हिसाब लिखना जब तक आप सो नहीं जाते कि आपने क्या किया। और फिर पापा हफ्ते में एक दिन बैठ करके चेक करते थे कि चलो देखें, अब अगर आपने उसमें झूठ लिख दिया कि जी मैंने आज साइंस का ये होमवर्क कर लिया, आज मैंने ये याद कर लिया, आज मैंने ऐसा कर लिया, तो देखते थे कि दिखाओ कहाँ है। तो हम लोग क्या करते थे चीटिंग, कि हम लोग कहते थे हमने ये याद कर लिया, 10 पेजेस याद कर लिए। फिर जब पूछते थे आप कहाँ हैं तो हम कहते थे भूल गए। तो उन्होंने वो भी पकड़ लिया, उन्होंने कहा कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा, अगर तुमने याद किया है तो चाहे कुछ भी हो तुम्हें याद होना चाहिए, अगर तुमने इसमें एक पेज याद किया तो एक ही पेज लिखो, लेकिन अगर तुमने ऐसा लिख दिया कि 10 पेज तो मुझे को एक एक चीज़ याद होनी चाहिए। अगर तुम कुछ लिख रहे हो तो तुम्हारे शब्दों में इतना वजन होना चाहिए कि भाई हाँ ये मगर मैंने किया है तो मुझे एक एक शब्द इसका याद है। ये कब तक चला आपकी उम्र में? ये क्लास 10th तक। उसके बाद आप बाहर चले गए? क्लास 10th में मेरे अच्छे नंबर आ गए, तो उसके बाद फिर उनको लगा कि मैं अपने आप से सेल्फ मोटिवेटेड हूँ और कर लूँगा। ग्रेजुएशन के बाद से फिर मैं थोड़ा अपने हिसाब से पढ़ाई करने लगा। फ्रीडम कब मिली आपको? किस चीज़ से? पिताजी से। पिताजी से तो आज तक नहीं मिली है। आपको लगता है इससे जैसे इंसान की ज़िंदगी में ऐसे कोई ऊपर होना चाहिए टाइट करने वाला, ज़रूरी है, या फिर उसे ज़्यादा फ्री छोड़ना चाहिए?
सी मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप का सिखाया हुआ डिसिप्लिन तो हमेशा होना चाहिए, और जो वैल्यू सिस्टम्स माँ बाप क्रिएट करके देते हैं वो बहुत ही अनमोल धरोहर होती है पूरी ज़िंदगी के लिए। और मुझे जैसा मैंने भी कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट यही है कि उन्होंने मुझे डिसिप्लिन सिखाया। मम्मी ने मुझे टेंशन नहीं लेना सिखाया कि कोई भी बात हो जाए तो कहती कोई बात नहीं, चलो ठीक है छोड़ो। तो कितना भी कुछ हो जाए, कितनी भी बड़ी कोई समस्या आ जाए, तो आज भी अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं अपनी मम्मी को फ़ोन करके कहता हूँ, और मतलब मैं सिर्फ वही सुनने के लिए कि चलो कोई बात नहीं। वो आज भी इतने सालों बाद भी अगर मम्मी एक बार कह देती हैं, वो मम्मी के मुँह से सुन लेता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। डिटैचमेंट सिखाया आपकी मम्मी ने? डिटैचमेंट नहीं, टेंशन फ्री रहना सिखाया कि कैसे ज़िंदगी बहुत बड़ी है, छोटी छोटी उतार चढ़ावों से कई बार आप जीतोगे हारोगे, बट ज़िंदगी इन सबसे बहुत बड़ी है। तो हमेशा कहती हैं चलो कोई बात नहीं, खाना खा लो, कोई बात नहीं, दूध पी लो। तो इतनी बड़ी बात हुई है, इतना मैं झटका सह करके आया हूँ, और यहाँ पे इतना सिंपल सा सोल्यूशन, कोई बात नहीं, चलो खाना खाओ, अभी देखा जाएगा। तो बड़ी अच्छी बात रही कि आपके पेरेंट्स का काफ़ी इन्फ्लुएंस है आपकी लाइफ में। आप गवर्नमेंट्स में रहे तो सरकार में कुछ ऐसी बातें जो मतलब नॉर्मल पब्लिक ना जानती हो, या डार्क रियलिटी ऑफ UPSC, ऐसा कुछ कोई स्टोरी आपके पास? ऐसा कुछ नहीं है ना, फैंटसीज बहुत हैं लोगों के जहन में। इतना ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड है आज की तारीख में, तो आप देखो सोशल मीडिया की वजह से इतने ढेर सारे कैमरे घूम रहे हैं हर जगह, इतना ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड है। बट एक हमेशा लोगों के अंदर एक ऐसी डिज़ायर होती है कि यार कुछ अलग हो रहा होगा जो शायद सामने नहीं दिख रहा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस देश में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ज़्यादा फेमस भी होती हैं। इस देश में नहीं, पूरे विश्व में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फेमस होती है। मज़ा आता है लोगों को, मज़ा आता है। ह्यूमन बींग्स की आप अगर देखोगे तो इतनी ढेर सारी स्पीशीज़ हैं, कहते हैं कि अराउंड 3.5 करोड़ स्पीशीज़ हैं। उसमें से ह्यूमन बींग्स, होमो सेपियंस इतने अलग कैसे हैं? वो एक बहुत बड़ा कारण ये भी कि फिक्शन में बहुत बिलीव करते हैं। आप फिल्म देख के रोने लगते हो जो कि एक्चुअली है ही नहीं, चुटकुला सुन के हंसने लगते हो। तो आप किसी और स्पीशी को आप चुटकुला सुना उसको क्या समझ आने का है, किसी और को आप कोई स्टोरी सुनाओ उसको क्या समझ आने का है। बट हमारी USP भी यही है। अगर ऐसा नहीं हो तो शायद ज़िंदगी इतनी, इसमें ज़िंदगी इतनी रंगीन भी ना हो, इतने रंग भी ना देख सकें हम। आपकी जैसे अच्छी रैंक आई थी अभिषेक जी, तो IAS IPS आप कुछ भी चूज़ कर सकते थे, तो क्या डिफरेंस होता है IAS और IPS में? काम का डिफरेंस होता है। IPS तो सिर्फ एक, आप ये कहो एक डिपार्टमेंट है, पुलिस एक डिपार्टमेंट है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आप हर एक डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो। तो आप होम डिपार्टमेंट जो कि पुलिस देखता है उसमें भी काम कर सकते हो, आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो, हेल्थ में काम कर सकते हो। तो जो एक्सपोजर है, जो स्पेक्ट्रम है, वो बहुत बड़ा हो जाता है। सो IPS में जैसे पावर ज़्यादा होती है, IAS को पावर ज़्यादा होती है? पावर ना बहुत रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। पावर किसी के पास नहीं होती है, पावर सिर्फ उस पद की होती है जिस पद पर आप बैठते हो और जो आपको दी जाती है, उसके अलावा आपके पास कोई पावर नहीं होती। पावर करप्ट्स 100% अगर आप उसको हैंडल ना कर पाओ तो। आपका सामना हुआ है ऐसा किसी से? मैं जीवन में देखो मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, बहुत अच्छे अच्छे लोग ही मिले हैं मुझे। चलिए, तो ये आपकी जर्नी UPSC की हुई, फिर आप IPS बने, अभी भी आप IPS हैं। हाँ, थोड़ा लफड़ा चल रहा है, ठीक हो जाएगा। इसके बाद एक्टिंग की तरफ आपका पहला रुझान तो आपका बचपन से था जैसे आपने मुझे बताया, तो पहला कदम आपको कैसे रखने को मिला? हमेशा से मैं चाहता था एक्टर बनना, बट बन नहीं पाया क्योंकि ऐसा सपोर्ट नहीं मिला फैमिली से, तो मैं घर छोड़ के भाग भी गया था। कब की बात है? क्लास 12th करने के बाद, और मैं 5-6 महीने रहा वहाँ पे, कुछ मेरा हुआ नहीं। मुंबई में तो वो भी बहुत एक अलग कहानी है, वही सुना दीजिए। तो क्या हुआ कि मेरे पापा से मेरी बात हुई, पापा ने बोला कि भाई अब तुम्हें IAS की तैयारी करनी है। मैंने कहा पापा मेरा मन है कि
मैं एक्टर बनूँ, और बहुत ज़्यादा मन है, मुझे लगता है अभी ये एज है इसमें बन जाएंगे तो अच्छा रहेगा, आगे तो फिर टाइम नहीं मिलेगा, और आईएएस नहीं बनेंगे तो कुछ और कर लेंगे, पॉलिटिशियन बन जाएंगे, अगर आप चाहते हो कि सेम ही सर्विस में रहे तो हम सोशल सर्विस कर सकते हैं, ये रहेंगे तो अच्छा रहेगा, एक दिल की इच्छा पूरी हो जाएगी। और तो पापा नहीं माने, उन्होंने कहा कि देखो मैं तो तुम्हें एक रुपये भी नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना हो अपने से करो, तो मैं घर छोड़ के भाग गया, और मैं पहुंचा एक अपने भैया के पास, तो वो एड फिल्म्स बनाते थे, तो उनके पास मैं पहुंचा, वो मेरे को देख के चौंक गए कि भाई तुम कैसे आ गए। मैंने कहा कि भैया मैं हीरो बनने आया हूँ, तो कहते कि तो हीरो कैसे बनोगे। मैंने कहा आप मेरी मदद करोगे। बोले भाई देखो मैं तो कोई ज़्यादा लोगों को जानता नहीं हूँ, और मैं सिर्फ मनोज वाजपेयी जी जो हैं उनको जानता हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है आप चलो उनसे ही मिला दो। अब उस टाइम पे क्या था कि उनकी भी हालत उतनी अच्छी नहीं चल रही थी, तो घर में एक मेड आती थी, उन्होंने उसको भी हटा दिया, उन्होंने कहा चलो झाड़ू पोछा भी यही करेगा अब। तो मैं झाड़ू पोछा, उनके कपड़े वपड़े धोना, और खाने पीने का हम लोगों के पास पैसे कम थे, तो हम लोग नीचे जा करके एक रेस्टोरेंट था वहाँ पे थाली खा लेते थे, हम लोग 25 रुपये की थाली खाते थे, तो वो करने लगे। अब ऐसे होते होते 2-3 महीने बीत गए, तो एक हमारा वॉचमैन था हम लोगों के गांव का ही, तो एक दिन वो आया था हमसे मिलने, तो कहता अरे भैया आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। मैंने कहा भाई मैं हीरो बनने आया हूँ। तो कहते हैं तो कैसे बनोगे। मैंने कहा कि भाई ये मनोज वाजपेयी जी से मिलाएंगे और वो बनाएंगे। तो कहते हैं वो कौन है। अरे मैंने कहा इतने बड़े एक्टर ने मनोज वाजपेयी जी को नहीं जानते। तो कहते हैं अरे जो खुद ही हीरो नहीं हो आपको हीरो कैसे बनाएगा। तो मैंने कहा यार ये बात तो सही है। तो कहते हैं आप ये सब छोड़ो, आपको ना सिर्फ दो ही तरीके के लोग हीरो बना सकते हैं, या तो कोई बहुत बड़ा उद्योगपति हो और या कोई बहुत बड़ा माफिया हो। तो देखो उद्योगपति को तो मैं नहीं जानता, एक माफिया को मैं ज़रूर जानता हूँ और उसके यहाँ मैं आपको ले चल सकता हूँ, लेकिन वो अभी जेल में है, तो आपको उसकी माँ को जा कर के कन्विंस करना पड़ेगा, और अगर उसकी माँ ने कह दिया तो आपके ऊपर फिल्म बना देगा वो। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा चलो यार चलते हैं देखते हैं क्या होता है। तो अगले दिन हम लोग रेडी वेडी होकर के बस पकड़ी हमने और पकड़ के पहुंच गए। तो मुंबई में जुहू में बहुत बड़ा सा बंगलो था उनका, वहाँ पहुँचे तो अच्छा मुझे पता भी नहीं कि किसका घर है क्या है, वो तुम्हें तो सिर्फ वो लेकर के जा रहे थे, मैं लेके चला गया उनके पीछे पीछे। वहाँ पहुँचे तो एक बहुत बड़ा बंगलो, उसमें गार्डन में एक लेडी बैठी हुई है वाइट कलर की साड़ी पहन करके और ऐसे माला जप रही हैं। तो उन्होंने बोला कि ये माँ जी हैं आप माँ जी से मिलो। मैं माँ जी का पैर छुआ, मैंने कहा प्रणाम माँ जी, मेरा नाम अभिषेक सिंह है, मैं ऐसे ऐसे हूँ और मैं हीरो बनना चाहता हूँ, तो अगर आपकी कृपा हो जाए तो आप एक मेरे ऊपर कोई फिल्म बनवा दें। अभी ये सब मैं बात कर ही रहा हूँ इतने दिन में ये पलटता है बंदा और बोलता है कि अरे भागो पुलिस आ गई। मैंने कहा पुलिस आ गई। मैं पीछे देखता हूँ तो जो जिस गेट से हम लोग घुसे थे, अच्छा वहाँ का वॉचमैन भी इनका दोस्त था, तो ये वॉचमैन दोनों एक दूसरे को जानते थे और इसलिए इन्होंने उससे भिराया था। तो उस वॉचमैन को पुलिस ऐसे कॉलर से पकड़ करके 4-5 बंदे अंदर लेकर के आ रहे हैं। अब मैं इतना देर में वापस पलटा तो जो मेरा बंदा था ये भाग गया और आगे जा करके पेड़ पे चढ़ने लगा। मैं भी इसके पीछे पीछे भागा। मैंने कहा अभी क्या करना है। तो कहते अरे तुम भागो नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी। अच्छा मैं बड़ी दुविधा में हो गया कि माँ जी से मैं मिल रहा हूँ पहली बार और मैं ऐसे भाग जाऊंगा तो माँ जी क्या सोचेंगी फिर कि भाई मैं इसके लिए कैसे फिल्म बनाऊँ, ये तो मुसीबत आई तो भाग गया। तो कहता अरे जब बाहर रहोगे तब तो फिल्म बनेगी, अभी पकड़ के पुलिस अंदर कर देगी। तो मैं जल्दी जल्दी माँ जी के मैंने दोबारा पैर छुआ। मैंने कहा माँ जी मैं जा रहा हूँ और मैं दोबारा आऊँगा, फिर मेरा नाम याद रखिएगा। और ये करके मैं इसके पीछे पीछे भाग गया। अच्छा वो तो पेड़ पर चढ़ गया, मुझे पेड़ पर चढ़ना आता नहीं था, मैं ऊपर तक थोड़ा सा चढ़ा, मैं गिर गया नीचे। तो फिर इधर बगल में छोटी सी बाउंड्री थी, मुझे समझ नहीं आया कि ये इतनी छोटी बाउंड्री छोड़ करके इतनी ऊंची बाउंड्री पे पेड़ पे चढ़ के क्यों कूदना चाह रहा है। बट खैर जल्दी जल्दी मैं छोटी बाउंड्री पे चढ़ा, मैं कूद गया उधर और फिर हम दोनों पीछे बीच था और उधर गिरे। तो फिर वो हम लोग ऐसे करते करते भाग गए आगे। तो फिर मुझे पीछे पलट के देखता है, कहता अरे ये क्या हो गया आपको। मैंने कहा क्या हो गया। फिर मैंने देखा कि पूरे मेरे बदन पे खून ही खून, तो उस बाउंड्री पे कांच लगे हुए थे, तो पूरे यहाँ 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 पूरे, इनफैक्ट यहाँ पे भी एक कट है बहुत बड़ा, वो भी उसी वक्त का है।
तो अब जैसे ही मैंने देखा मुझे बहुत दर्द होने लगा, अभी तक तो पता नहीं चल रहा था। तो मैंने कहा कि भाई अब तो मैं आगे नहीं चल पाऊँगा। तो कहते कि नहीं, थोड़ा आगे तो चलना पड़ेगा। आगे तक हम लोग गए, फिर उसने बोला कि, मैंने कहा भाई मेरी आप कहीं ड्रेसिंग वेसिंग कराओ, मेरे से कुछ नहीं होगा। फिर हम लोग ढूंढ के एक पास में हॉस्पिटल था, वहाँ पे गए। तो वहाँ हॉस्पिटल में गए तो उसने बोला कि भाई आपके बहुत ज़्यादा कट गया है और 3,500 रुपये लगेंगे आपकी ड्रेसिंग करने के। तो मेरे पास तो पैसे ही नहीं। तो अच्छा, उसको लगा कि मेरे पास पैसे होंगे, उसने बोला कि भैया दे दो आप पैसे। मैंने कहा भाई मेरे पास पैसे कहाँ हैं, मैं तो खाली हाथ घर से भाग के आया हूँ, तो मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो कहता आप बिना पैसे के आ गए, ऐसे हीरो बनने आ गए? अरे मैंने कहा भाई मेरे पास पैसे होते तो मैं ऐसे ही नहीं, ऐसे क्या कर रहा होता मैं। तो कहता है कि फिर क्या करेंगे? मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता। तो कहता है कि भैया फिर आप अपने भैया को फ़ोन करो। मैंने कहा भैया तो यार 25 रुपये की थाली खाते हैं, वो कहाँ से देंगे इतने पैसे भाई। तो कहता है कि फिर, मैंने कहा तो चलो फिर किसी सरकारी हॉस्पिटल में चलते हैं। तो कहता है ठीक है। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत तो कुछ ड्रेसिंग वेसिंग करा लेते हैं थोड़ी बहुत, ताकि वहाँ तक जाने लायक हो जाए। तो मैं अंदर गया, मैंने कहा कि आप एक इंजेक्शन ही लगा दो ताकि थोड़ा पेन कम हो जाए। तो उन्होंने बोला कि आप पहले जाके रिसेप्शन पे पैसे जमा करो। मैंने कहा ठीक है पैसे आ जाएंगे। मैंने कहा कि भाई आप पैसे ले आओ। तो कहते हैं कि मैं एक काम करो आप यहाँ पे बैठो, मैं पैसे लेकर के आता हूँ थोड़ी देर में, और एक इंजेक्शन तो लगवा करके फिर चलते हैं। तो मैं बैठा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि सर आप ऐसा करिए मेरे को इंजेक्शन लगा दीजिए, अगर ऐसा अगर आपको लगता है कि मैं पैसा नहीं दे पाऊँगा तो आप मेरे को कमरे में बंद कर देना। तो कहते हैं डॉक्टर मेरे ऊपर भड़क गए, कहते हैं भाई मेरे पास यही काम पड़ा है क्या? मैंने कहा सर आपने MBBS की ओथ ली होगी जब आप आए थे, और मेरे को इतना पेन हो रहा है, आप मेरे सामने देख रहे हो, तो कम से कम एक इंजेक्शन तो लगा दो ताकि मैं यहाँ से जाने लायक हो जाऊँ। तो इतनी देर में उठा, उसने मेरे को 2 थप्पड़ मार दिया, कहता मैंने ये ओथ ली थी अब बता। मैंने कहा यार कमाल हो, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो बोलता कि रिक्वेस्ट कर रहेगा, ज़्यादा रिक्वेस्ट करेगा। उसने 2 थप्पड़ और मार दिया, मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने भी 2 थप्पड़ मारे उसको पलट के। इतनी देर में उसने सिक्योरिटी बुला ली और सबने पकड़ के मुझे खूब पीटा और उठा के बाहर फेंक दिया। अब मैं बाहर बैठ करके रो रहा हूँ, मुझे लगा यार मैं क्या करने आया हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे चोट लगी हुई है, डॉक्टर मार के भगा दे रहा है, दुनिया में पैसा कितना इम्पोर्टेंट है, आपके पास पैसा नहीं है तो आपको क्या जिल्लत झेलनी पड़ती है। खैर एनीवेज़, थोड़ी देर में मेरे दोस्त आए जो वॉचमैन थे, उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि क्या हुआ, चलो आ जाओ अंदर चलो। मैंने कहा भाई अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, अब चलो हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में चलते हैं, वहीं पर कुछ कराएंगे। फिर हम लोग गए, हम लोगों ने ड्रेसिंग कराई, ड्रेसिंग करा करके हम रात में घर पहुँचे, तो बहुत टाइम हो गया था, 11:30-12 बज गया था। तो मेरे भैया ने दरवाज़ा ही नहीं खोला 1 घंटे तक, फिर घंटी बजाते रहे। फिर वो खोले तो बहुत गुस्से में, तो मेरे दोस्त को गाली देने लगे खोलते ही, ये क्या कोई तरीका है ऐसा ऐसा। मैंने कहा भैया मेरे को इतनी चोट लग गई, इसने आपको फ़ोन भी किया था कि ऐसा ऐसा हो गया है, और आपने बजाय कुछ पूछने के एक बार भी मुझसे पूछा नहीं, इसको फ़ोन नहीं किया पूछने के लिए कि भाई कैसी तबीयत है क्या है, और आप इसको गाली दे रहे हो। तो मुझे बड़े गुस्से में बोलते हैं, कहते हैं यहाँ तो तुम नवाब साहब हो ना, कि तुम कमा के आए हो कि मैं तुम्हारा स्वागत करूँ। तो मैंने कहा भाई मैं कमा के नहीं आया हूँ, लेकिन मैं आया हूँ एक सिंसियर डेडिकेशन से कुछ काम करने के लिए, तो मैं तो अपनी कोशिश ही कर रहा हूँ ना, जितना मेरी समझ है जितना मेरा सामर्थ्य है, मैं उसमें गलत क्या कर रहा हूँ। तो इसी बात पे बहुत ज़्यादा भड़क गए, वो मुझे भी गुस्सा गया। मैंने कहा एक बात बताओ, आपने खुद से क्या किया है जीवन में, ये जिस घर में आप रह रहे हो ये आपको आपके पिताजी ने दिया है, आपके पिताजी ने आपको गाड़ी दी वो आपने बेच दी शराब पी करके, अब आप मैं मेरे आने के बाद मैं झाड़ू पोछा बर्तन सारा कुछ मैं करता हूँ, और आप आराम से जा करके नीचे, आपके पास पैसे हैं नहीं, आप जाके जो पैसे हैं थोड़े बहुत वो भी आपने उड़ा दिए शराब पी करके, और जा करके नीचे 25 रुपये की थाली खाते हो आप। तो इतना उन्होंने सुना, मेरे को 2 थप्पड़ मारा, बोले कि तुम तो रहने लायक नहीं हो यहाँ पे, तुम चल निकल जाओ यहाँ से, तुम मुझे ही सुना रहे हो। तो मैंने कहा मैं तो चला ही जाऊँगा, मैंने कहा मैं तो यहाँ पर आया हूँ, मैं कोई आपके भरोसे थोड़ी आया था, मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगा अपने से। मैंने भी अपना सामान निकाला, मैं चल दिया। तो मैंने इसको बोला अपने दोस्त को, मैंने कहा भाई चलो तुम्हारे साथ चलते हैं। तो कहता है कि भाई आप मेरे साथ कहाँ जाओगे? मैंने कहा जहाँ पे आप रहते हो वहीं रहेंगे। तो कहता है कि नहीं नहीं आप नहीं रह पाओगे वहाँ। मैंने कहा भाई दिल में जगह होनी चाहिए, हर जगह रह लेंगे। तो लेके चले गए हम लोग पहुँचे कलीना सांता क्रूज में, कलीना में एक चौल थी। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मुझे लगा कि मैं एक्चुअली नहीं रह सकता वहाँ पर,
एक ऐसे इतना इतना बड़ा कमरा होगा, ऐसे थोड़ा सा बड़ा रहा होगा, और उसमें 8 लोग रहते थे। तो 4 गद्दे ऐसे पड़े हुए थे, एक गद्दा ऐसे स्ट्रेट दरवाजे के बगल में, और 3 गद्दे ऐसे। और उसमें बहुत अजीब सी चीज़ थी कि उसमें जो कमोड था वो अंदर था, और टॉयलेट अंदर था, और बाथरूम बाहर था। और टॉयलेट से इतनी ज़्यादा बदबू आती थी कि अनबेरेबल, आप उसमें रह ही नहीं सकते। मैं तो, मुझे खुद समझ नहीं आया कि लोग कैसे रह रहे हैं यहाँ पे। और उसमें जो लोग रहते थे, कोई वॉचमैन था, कोई कुछ करता था, कोई ऑटो चलाता था, ऐसे लोग रहते थे। और किसी की नाइट शिफ्ट होती थी, कभी किसी की डे शिफ्ट होती थी, तो उसमें 24/7 अंधेरा ही रहता था, क्योंकि जो आता था वो सोता था सिर्फ। तो 24 घंटे उस कमरे में अंधेरा। एनीवेज रात तो कैसे कैसे बीती, किसी तरह से सुबह उठ करके मेरा इतना सर दर्द होने लगा, मैंने कहा मैं कैसे रहूँगा यहाँ पे। अच्छा, खाने के लिए पैसे नहीं, तो बेचारा मेरा दोस्त बहुत कोऑपरेटिव था, उसने बोला कि भैया आप ऐसा करो, यहाँ पे सामने पाव भाजी का ठेला है, तो यहाँ पे मैं आपका तब तक बांध देता हूँ अकाउंट, जब पैसे वैसे आएंगे तब देखा जाएगा, तो आप यहीं पे खा लिया करो। तो मेरा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर पाव भाजी, तीनों पाव भाजी था। तो 3-4 दिन मैं रहा वहाँ पे। अच्छा, बाहर एक ऑटो वाले फैमिली एक रहती थी मराठी, उनसे मेरी थोड़ी बहुत, मैं बाहर निकल के बैठ जाता था, क्योंकि अंदर तो हमेशा इतना ज़्यादा अंधेरा रहता था और इतनी बदबू आती थी, मेरे से रहा नहीं जाता था। तो उनसे थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई थी, फिर थोड़ी देर अंदर बैठूँ, थोड़ी देर बाहर बैठूँ, ऐसे चलता रहता था। चौथे दिन बहुत ज़्यादा मेरे को डायरिया, वॉमिटिंग, ये सब होने लगा। तो एक राजेश भैया थे, वो भी वॉचमैन थे, उनको मैंने उठाया, मैंने कहा भैया मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। तो कहते हैं आपको तो बुखार हो गया है, आप चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो लोग बाहर निकले, तो इंसिडेंटली वही जो ऑटो वाले थे हमारे दोस्त, वो मिल गए, तो उन्होंने अपना जल्दी जल्दी ऑटो निकाल लिया, वेरी स्वीट ऑफ हिम। बाहर निकाल करके हम लोग ले गए, फिर एक हॉस्पिटल में ले गए। तो वहाँ पे मैंने कहा भैया यार यहाँ पे मत लाओ आप, मेरे पास पैसे नहीं है, किसी सरकारी हॉस्पिटल में चलते हैं। कहते हैं नहीं, पहले चेकअप करा लेते हैं, वहाँ बहुत टाइम लगेगा। मैंने ठीक है। वहाँ पे गए तो कहते हैं कि जी इनको तो एडमिट करना पड़ेगा, और ऐसा ऐसा आप 6,000 रुपये जमा करा दीजिए। तो अब वो दोनों लोग मुझे देखने लगे। मैंने कहा भैया मेरे पास पैसे नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे कि आप यहाँ पे लेकर के आ गए, मेरे को किसी सरकारी हॉस्पिटल में ले चलो, मेरे पास पैसे नहीं देने के लिए। तो कहते हैं अरे कुछ भी नहीं है आपके पास। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा फिर आप उन्हीं को फ़ोन करिए, मेरे दोस्त को। तो इतनी देर में जो ऑटो वाले थे ये भाई, इन्होंने बोला कि आप कोई बात नहीं, आप रुको बैठो। उन्होंने कहा आप एक काम करो, पहले इनको ग्लूकोज चढ़ाओ, थोड़ी इनकी हालत ठीक हो, उसके बाद इनको लेके जाएंगे। तो वो हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से ना थोड़ी भिड़ंत हो गई, वो नॉर्थ इंडियन था, और उसने, इन्होंने बोला कि देखो तुम लोग ऐसा ऐसा करते हो ना, इसीलिए हमारे यहाँ पे राज ठाकरे आप लोगों को ऐसा करता है कि आप अपने बंदे को भी आप इलाज नहीं कर रहे हो, ये आपके गांव का है। तो कहता है कोई हमारे गांव का वहाँ का नहीं है, एक पेशेंट है, मैं ऐसा सबका कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। कहता अभी तू कैसे नहीं करेगा, अभी देखो। उसने फ़ोन करके कई लोगों को बुला लिया, और उसने सब एकदम आकर के ऐसा खड़े हो गए, बोले कि अभी इसको एडमिट करो, नहीं तो अभी देखो तुम्हारा हॉस्पिटल तोड़ देंगे। तो एनीवेज उन्होंने मेरे को एडमिट किया, वहाँ पे ग्लूकोज चढ़ाया। उन्होंने कहा बट हम एक दिन कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। तो उस दिन मैं रहा एडमिट, तो शाम को मेरा दोस्त आया, तो उसने, जो वॉचमैन था, तो उसने मेरे को बोला कि भैया देखो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन कैसे कहूँ समझ नहीं आ रहा है। मैंने नहीं भाई कह दो। मैंने कहा इतना कुछ देख लिया जीवन में, आप भी कह दो क्या बात है। तो कहते हैं भैया देखो मैं ना वॉचमैन हूँ, मैं किसी तरीके से अपना रोज़ी रोटी चलाता हूँ। अब मुझे पता है आप चलो बहुत, एक आपके अंदर जज्बा है कुछ करने का, आप आए हो और आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन देखो भैया मैं भी तो गरीब आदमी हूँ, मेरा खर्चा कैसे चलेगा, थोड़ा सा आप इस बारे में सोचो। लेकिन मैं एक आपको कैसे कहूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा नहीं नहीं मैं समझ गया। मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैं अपना कोई और ठिकाना ढूंढ लूँगा और आप चले जाओ, मैं देख लूँगा अपने आप को, आप चिंता मत करो। कहते नहीं आप कैसे देखोगे। मैंने कहा जो होगा मैं देख लूँगा। कहता नहीं आप एक काम करो, अपने पिताजी को फ़ोन कर लो, घर चले जाओ। मैंने कहा भाई देखो मैं जब यहाँ पे आया हूँ ना, अब मैं चाहे मर जाऊँ बट मैं वापस नहीं जाऊँगा, तो और अपने पिताजी को तो फ़ोन करने का सवाल ही नहीं उठता, अब जो होगा यहीं पे होगा। ये सुन के ना वो डर गया, उसको लगा कि कहीं सही में ना मर जाए। तो उसने डर के मेरे भैया को फ़ोन किया कि भैया यहाँ पे ऐसे एडमिट है। तो मेरे भैया ने बोला कि तुम तो चले जाओगे जेल,
इसके पापा पुलिस में है और तुम जो लेके घूम रहे हो ना इसको इधर से उधर, ये तुम्हारे ऊपर ही आरोप आएगा। तो अब एक काम करो, ये उनके पिताजी का नंबर, अब उसको फ़ोन करके बता दो कि यहाँ यहाँ पैसे हैं। तो वो डर के फिर उसने पापा को फ़ोन किया और बताया कि आपके बेटे ऐसे ऐसे यहाँ पर हैं, उनको ऐसा हुआ है। तो फिर उसके बाद पापा ने किसी को भेजा, तो जिनको भेजा एक हमारे रिश्तेदार हैं राजू भैया, वो आए। तो राजू भैया ने बोला कि अभिषेक यार तुम तो इतने इंटेलिजेंट लड़के हो, पूरे हमारे परिवार में ख़ानदान में सब लोग तुम्हारे लिए बोलते हैं कि इतना इंटेलिजेंट इतना शार्प लड़का, तो तुम ये सब छोड़ के ये क्या करने लगे। मैंने कहा भैया मेरा हमेशा से मन था कि मैं एक्टर बनूँ, इसलिए मैं आया। तो कहते नहीं चलो तुम आ भी गए यहाँ पे, तो एक बात बताओ यार, जब अमिताभ बच्चन जी आए थे हीरो बनने के लिए तो उनके पास इंदिरा गांधी जी का लेटर था और इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, और तुम यहाँ पर आए हो एक वॉचमैन का रिकमेंडेशन लेके, तो कौन से लॉजिक से एक वॉचमैन तुमको हीरो बनाएगा यार, वो बेचारा अपनी रोजी रोटी नहीं चला पा रहा है, वो तुमको हीरो बनाएगा। मैंने कहा भैया आप बात नहीं समझ रहे, उस दिन पुलिस आ गई सिर्फ, वरना मैं तो हीरो बन ही गया होता उस दिन। तो मेरे दिमाग में ऐसा था ना कि भाई कोई बंदा बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, आपको कौन कहां तक पहुंचा दे कोई नहीं जानता। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा ये सबसे कुछ नहीं होगा, तुम वापस जाओ तैयारी करो, आईएएस बनो, सिर्फ आईएएस ही बन करके तुम कुछ कर सकते हो, क्योंकि तुम हम लोग देखो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारी स्किल ही धरोहर है, जो हमारा टैलेंट है वही हमारी धरोहर है, उसके अलावा और हमारे पास कुछ नहीं है। तो तुम सिर्फ उसके ऊपर जा करके अब पूरा काम करो, मेहनत करो, कम से कम अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, उसके बाद जो तुम्हारा मन आएगा कर लेना। अभी आईएएस बनने में क्या, 3 साल की तुम्हारी ग्रेजुएशन, 1-2 साल की तुम्हारी तैयारी, 4-5 साल में तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, नहीं तो 4-5 साल में तुम ऐसे ही घिसते रहोगे। तो मैंने कहा नहीं नहीं भैया मैं तो यहीं रहूँगा। बोले भाई तुम्हारा दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा है, वापस जा करके आईएएस बनो, वही तुम्हें कुछ दे सकता है। तो मुझे भी समझ आया, मैंने कहा कि यार ठीक है, मैं तो ग्रेजुएशन भी छोड़ के बैठ गया था। तो फिर मैं वापस गया, फिर मैं ग्रेजुएशन शुरू करी, फिर ग्रेजुएशन करके फिर मैं, तो फिर आप आईएएस बने, फिर कैसे एक्टिंग फिर कैसे आई वापस लौट के? तो मुझे नहीं लगा था कि मैं फिर कभी एक्टर बनूंगा, फिर मेरे साथ बड़ा वो इंसिडेंट हुआ, काफ़ी कुछ बीच में इमोशनल टर्मोइल से फिर मैं गुजरा उस बीच में, फिर एनीवेज फाइनली आईएएस का एग्ज़ाम दिया, आईएएस हो गया, सिलेक्ट हो गया, फिर शादी हो गई। उसके बाद मुझे लगा था कि अब चलो जो ज़िंदगी मिल गई है यही ज़िंदगी करते हैं, अब उसको छोड़ देते हैं, कभी और शायद अगले जन्म में जब होगा तब देखा जाएगा। बट फिर इंसिडेंटली ऐसा हुआ कि दिल्ली क्राइम का ये शूट होने वाला था, ये लोग मिले, ये रोल ऑफ़र हो गया, और वो रोल ऑफ़र होने से क्या है कि बहुत टाइम उस टाइम पे मीडिया ने बहुत ज़्यादा हाइप कर दिया इस बात को कि भाई पहली बार एक रियल लाइफ आईएएस ऑफिसर, एक रियल लाइफ आईएएस ऑफिसर का किरदार प्ले कर रहा है। तो उस हाइप से मुझे कई और लोगों ने अप्रोच किया, तो फिर म्यूज़िक वीडियो आ गया मेरा बी प्राक के साथ, फिर वो म्यूज़िक वीडियो इतना ज़्यादा हिट हो गया, वो ऑलमोस्ट 1 बिलियन व्यूज़ चले गए उसके, उसकी वजह से और म्यूज़िक वीडियोज़ आ गए, फिर और कुछ आ गया। तो फिर अब फिल्म करी है अभी मैंने, तो अभी 2 फिल्में आने वाली हैं। तो ऐसे करते करते कुछ ना कुछ मिलता चला गया। अभिषेक जी जैसे फिल्म इंडस्ट्री में आप आए, गाने वाने भी बनाए आपने, एक्टिंग भी करी, सो कुछ ऐसी बातें जो फिल्म इंडस्ट्री की हम लोगों को ना पता हो, कोई स्टोरी आपकी, कोई एक्सपीरियंस, कुछ अजीब लगा हो? कुछ ऐसा अजीब तो नहीं है, बट मैं कुछ अच्छी बात बताता हूँ। ये जो एक्टिंग जो प्रोफेशन है ना, ये बहुत मिसअंडरस्टूड सा प्रोफेशन है। लोग जनरली सोचते हैं कि अच्छे कपड़े पहनना और खूब स्टाइल मारना, इसी से एक्टिंग को रिलेट करते हैं। वो कभी उसके पीछे की मेहनत, उसके पीछे कितना काम होता है, उसके पीछे कितनी शिद्दत लगती है, उसको नहीं समझ पाते। और सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, आप अगर हर एक फील्ड देखोगे, चाहे डायरेक्शन हो, चाहे स्क्रिप्ट राइटिंग हो, बहुत ही ज़्यादा सिंसियर और डेडिकेशन का काम है, सिंसियरिटी और डेडिकेशन का। वो बाहर के लोग नहीं समझ पाते हैं, वो सिर्फ ग्लैमर देखते हैं कि जब फिल्म रिलीज़ होती है उसके बाद एक स्टार का ग्लैमर क्या होता है, कैसे लोग उसके ऊपर टूटते हैं,
कैसे दुनिया उसके पीछे भागती है, सिर्फ उसको समझते हैं, बट एक्चुअली कितना ज़्यादा मेहनत का, कितना डेडिकेशन का काम है वो लोगों को नहीं पता है। नेपोटिज्म जैसे सुनने को मिलता है हम लोगों को, ये सच बात है, ये देखने को मिलता है? नेपोटिज्म बिल्कुल सच बात है, और नेपोटिज्म ऐसी कोई बात नहीं कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में है, नेपोटिज्म हर जगह है। लेकिन क्या है कि जब फिल्म इंडस्ट्री का नेपोटिज्म है वो ज़्यादा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब अगर मैं बोलूं कि एक ऑटो ड्राइवर का बेटा, वो भी कहता है कि चलो ठीक है ये ऑटो मेरा है आप चला लो, वो भी नेपोटिज्म है। बट अगर उसको कोई नेपोटिज्म कहेगा तो लोग कहेंगे अरे ये कैसी बात करते हो, वो इतना गरीब आदमी बेचारा, वो ऑटो कितनी मुश्किल से ख़रीदा है, अपने बेटे को नहीं देगा क्या ऑटो? बट एक अमीर आदमी अगर अपने बेटे को अपनी दौलत दे दे, लोग कहते हैं अरे नेपोटिज्म है यार, वो प्रोड्यूसर है उसने अपने बेटे को लॉन्च कर दिया। तो नेपोटिज्म तो हर एक फील्ड में होता है। हम आप भी अगर किसी को पसंद करते हैं हम कहेंगे यार देखो ये अच्छा बंदा है, देख लो एक बार ट्राई कर लो। आप बहुत एक्टरों से मिले, जैसे किसी का कोई किस्सा आपका? वो किससे, पर्दे के पीछे ही रहने दो आप, जो पर्दे के आगे बता सको आप। जो पर्दे के आगे मैं बताऊंगा उसमें मजा नहीं आएगा, मसाला नहीं होगा। जैसे नाना पाटेकर से मिले आप? उनका पहले मिला था। नहीं, अच्छे आदमी है, वो एक इंसिडेंट हुआ उससे मुझे बहुत लोग उसमें पूछते हैं, बट क्या है थोड़ा सा मुझे वो इंसिडेंट अच्छा नहीं लगा। और एक गरीब लड़का, छोटा बेचारा जो फैन था उनका, वो सेल्फी लेने गया, उसको बहुत ही ख़राब तरीके से उन्होंने ट्रीट किया, उसको दो थप्पड़ मार के भगा दिया, उसके बाद उनके सिक्योरिटी ने भगा दिया। और फिर बड़े ही कैजुअली उन्होंने बोल दिया कि जी हम तो फिल्म शूट कर रहे थे और फिल्म का सीन शूट कर रहे थे, मुझे लगा कि मेरा को एक्टर आ गया है इसलिए मैंने उसको थप्पड़ मार दिया। तो मैंने कहा भाई जब फिल्म का सीन शूट करते हो तो आप एक्टर को थप्पड़ मारने का सीन होता है, थप्पड़ थोड़ी मारोगे, फिर तो चाकू मारने का सीन हो आप चाकू मार दो, गोली मारने का सीन हो फिर तो आप गोली मार दो, ये कोई बात होती है? कोई लॉजिक तो है नहीं। तो अब चलो ठीक है, मैंने वही बोला कि वो यूपी के लोग हैं बेचारे भोले भाले, ठीक है आपको अपना आदरणीय मानते हैं, आपको का अनुसरण करते हैं, आप उनके आइडल हो, इस वजह से आपके साथ फोटोग्राफ लेने गए, आपने ऐसा कर दिया तो वो करके छोड़ दिया उन्होंने कि चलो ठीक है आप बड़े हो, आपने आपसे गलती हो भी गई तो कोई बात नहीं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप ना इस तरीके से करो। फिर जब FIR की बात आई तो फिर नाना पाटेकर जी, तब शायद उनको समझ में आई बात, तो सीरियसली फिर वो गए उनके अपने घर पर, उनके मम्मी पापा से पैर छू करके माफ़ी मांगी नाना पाटेकर जी ने, तब उनको समझ आया कि इस मामले की सीरियसनेस क्या है। वरना तो पहले तो बड़े ही कैजुअली उन्होंने बोला अरे भैया कोई गलती हो तो माफ़ कर दो भाई, उनके लहजे में कहीं से माफ़ी लग ही नहीं रही थी, लग रहा था कि तुमने यार इतना बड़ा बवाल कर दिया है, मैं फिल्म शूट करने आया हूँ क्यों ऐसे कर रहे हो, तुम्हें तो आदी होना चाहिए इस चीज़ का। इस पूरे दौरान में आपने कहीं प्रोफेशनली एक्टिंग सीखी? हाँ, मैंने आदिशक्ति करके एक रेजिडेंशियल कोर्स है, वहाँ पे कुछ 10 दिन का होता है रेजिडेंशियल कोर्स, वहाँ पे सीखा। फिर कई वर्कशॉप करता हूँ मैं। तो एक्टिंग करना ज़्यादा कठिन है या UPSC क्लियर करना? डिपेंड करता है कि आपकी चाहत किस में है, जिस चीज़ को भी आप चाहोगे नहीं पूरी शिद्दत से वो आपको कठिन लगेगी, और अगर आप चाहोगे तो फिर वो जर्नी आपको तय ही करनी है, चाहे कठिन हो चाहे आसान। आपका एटीट्यूड बहुत लोगों से बहुत अलग है, ठीक है? जैसे आपने मुंबई वाली जो कहानी सुनाई उसमें भी वही है कि घर के पास पापा पुलिस में, घर के पास पैसा भी, चाहूँ तो एक रात ट्रेन पकड़ के आराम से ज़िंदगी जी लूँ, पर नहीं जाना, जिद पे अड़े रहना है, ठीक है? सो जैसे आपका 22 का बर्थ है ना, तो ये राहु की क्वालिटीज़ यही होती हैं, ठीक है, कि जिद पे अड़ गया तो अड़ गया, और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है राहु, ठीक है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे मैं तो ऐसे ही हूँ, ठीक है, ये नेचर भी राहु का ही होता है, एंड ब्रेन ही होता है, शार्प होता है, क्योंकि राहु का सिर्फ हेड होता है, उसके बाद ब्रेन बहुत होता है और जुबान यानी कि शार्पनेस होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होता है। तो सारी चीज़ें आपके अंदर देखने को मिल रही है कि क्या कठिन है, ये भी नहीं ठीक है, वो भी नहीं ठीक है, नहीं तो इंसान ज़िंदगी में एक काम नहीं कर पा रहा ढंग से, और उसके लिए उसी में जो आप कह रहे हो मोटिवेशन चाहिए उसको, थोड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ा अच्छा एटीट्यूड है आपका, मतलब इंस्पायरिंग है यार, ऐसा होना चाहिए इंसान को। थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए जी। अब मैं जैसे आपकी UPSC की जर्नी की हमने बात करी, फिर हमने आपकी फिल्म की जर्नी की बात, थोड़ा पॉलिटिकल बात करना चाहेंगे, जैसे योगी जी से आपकी मुलाकात कैसी रही, कैसे संबंध है आपके उनसे? तो आपके उसके पहले मैं एक बात बता दूं, जैसे आप राहु की बात बता रहे थे, तो दिल और दिमाग को ना मैंने हमेशा से ऐसा सोचा है कि जैसे आपने बोला कि दिमाग तेज़ है,
दिमाग का काम सिर्फ यह है कि जो दिल कहे उसको एग्जीक्यूट करके लेकर के आ जाए। तो अगर दिल ये कह रहा है कि भाई मेरे को कॉफ़ी पीनी है, तो दिमाग का काम यह है कि कितनी जल्दी से कॉफ़ी आ जाए। अगर दिल कह रहा है कि मेरे को आईएएस बनना है, तो दिमाग का काम यह है कि कितनी जल्दी से आपको पढ़ करके उस काबिल बना दे कि आप आईएएस बन सको। दिल कह रहा है एक्टिंग करना है, तो दिमाग कह रहा है कि यार एक्टिंग में क्या क्या ट्रेट्स आने चाहिए, आपको क्या किन किन चीज़ों पर मेहनत करनी चाहिए, उन पर मेहनत करते हैं और एक्टर बन करके दे देते हैं। तो दिमाग का काम ये नहीं है कि आपको ये बताए कि जी ये असंभव है। अगर दिमाग आपका ये बता रहा है, इसका मतलब आपका दिमाग कमज़ोर है। क्योंकि आप किसी से भी पूछो, अगर आप बड़े आदमी से बात करोगे ना, आप उससे पूछोगे ये पॉसिबल है, हाँ ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल, हाँ ये भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल, हाँ ये भी पॉसिबल है। छोटे आदमी से पूछोगे अरे कैसी बात करते हो, ये हो ही नहीं सकता, आज तक नहीं हुआ, कैसे हो जाएगा भैया, अरे ये भी नहीं हो सकता भाई, जो है यही करो। और इसीलिए वो आदमी छोटा है, क्योंकि उसके अंदर सोचने की, बड़ा सोचने की ही हिम्मत नहीं है। जिसके अंदर भी वो हिम्मत आ गई, वो बड़ा बन जाता है। और वो हिम्मत तभी आती है जब आपका दिमाग सशक्त हो जाए। तो हमेशा दिल को फ्री छोड़ना चाहिए और दिमाग को मजबूत करना चाहिए कि भाई जो दिल बोल रहा है उसके पे क्वेश्चन नहीं करना आपने, आपने कहना है कि कैसे करना है। तो व्हेन आई आस्क यू टू जंप, डोंट आस्क मी हाउ, आस्क मी हाउ हाय। ये क्वालिटी होनी चाहिए दिमाग की, वरना तो फिर दिमाग का फायदा क्या? अगर आप उस जो मैं चाह रहा हूँ वो एग्जीक्यूट ही नहीं करके दे पा रहे हो, तो फायदा क्या फिर? और ये चीज़ जैसे आपने बात बोली ना कि हम जब एडवाइस लेने जाते हैं किसी से, अब हमें करना मान लो जी बिजनेस, और सामने वाले ने जैसे पापा ने कभी बिजनेस ही नहीं किया, ठीक है, आप उनसे ले रहे हो एडवाइस या अंकल से ले रहे हो एडवाइस, उन्होंने कभी बिजनेस, तो कहेंगे तो इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है। वहीं पे जब आप एक बिजनेसमैन से लोगे, अब उस बिजनेसमैन की भी कैटेगरी है कि 100 करोड़ वाला है कि 1000 करोड़ वाला है। 100 करोड़ वाला कहेगा यार 1000 करोड़ मुश्किल है, 1000 करोड़ वाला कहेगा यार बहुत आसान है। तो आप किससे एडवाइस ले रहे हो ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि जिसने किया है, एक बड़ी अच्छी कहावत याद आ रही है कि दोज हु कैन डू इट दे डू इट, दोज हु कैन दे टीच इट। बिल्कुल। चलिए अब मैं वापस से आऊँगा, राजनीति की बातें करूँगा आपसे, ठीक है। सो पॉलिटिक्स में आपका कैसा इंटरेस्ट है, रुझान है, और योगी जी के साथ कैसा संबंध रहा है आपका? बहुत अच्छे। देखो मेरे तो ना संबंध ही आज तक किसी के साथ कभी ख़राब हुए नहीं। मैं बहुत प्राउडली ये बात कहता हूँ कि आज तक मेरे जीवन में बुरा समय नहीं आया, आज तक मुझे कोई ज़िंदगी में बुरा इंसान नहीं मिला, और आज तक कोई बुरा वाक्या नहीं हुआ मेरे साथ। क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता, मुझे मतलब मैं नेगेटिव चीज़ परसीव ही नहीं कर पाता समाओ। मैं शायद इतना ज़्यादा डाई हार्ड ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता। मतलब आप मेरे शायद गर्दन भी काट दो ना, तो भी मुझे लगेगा कि यार कोई बात नहीं, मैं ज़िंदा तो हूँ ना, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, तब तक, जब तक थोड़ा बहुत भी सामर्थ्य है मेरे अंदर, तब तक मुझे लगता है कि जो मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ, सब कुछ पॉसिबल है। तो मुझे नेगेटिविटी परसीव ही नहीं होती, ना मैं कभी बैठ करके, मैंने आज तक कभी किसी की बुराई करी है और ना मैंने सुनी है, मुझे सुनाई भी नहीं देती, और मुझे समझ नहीं आता कि, मुझे लगता है इररेलेवेंट चीज़ें बोल रहा है कोई। कोई कहता है यार मेरा समय बड़ा ख़राब चल रहा है, मुझे समझ नहीं आता कैसी बातें कर रहे हो, समय तो आपके हाथ में है ना। लोग इससे कहते हैं ना क्वेश्चन पेपर कठिन आ गया, कठिन नहीं यार, आपको आंसर नहीं आ रहा है, अभी मैं आपको आंसर लिख करके दे दूँ आप उसमें टॉप कर जाओगे। तो क्वेश्चन पेपर कठिन नहीं है, आंसर नहीं आ रहा, तो समय कठिन नहीं है, समय ख़राब नहीं है, आपका दिमाग नहीं काम कर रहा, इससे बाहर कैसे निकले? तो उल्टा देखो, दिमाग से सोचो कि यार इस परिस्थिति से बाहर कैसे निकलना है। और चैलेंजेस तो अच्छे होते हैं, अगर चैलेंजेस नहीं आएंगे तो आप ज़िंदगी में ग्रो कैसे करोगे? फिर तो आप वहीं के वहीं रह गए ना जी, हर दिन यही काम कर रहे हैं जी, आज भी वही कर रहे हैं जी, तो कि नया क्या सीखा? अब ये नई चीज़ दे दी, अरे यार ये क्या दे दिया यार, ये तो अपने को पता ही नहीं, ये तो पूछा ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस दे दिया। तो करो तो सही बाबा, नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? और ज़िंदगी में कितना कुछ लोगों ने कितना अचीव कर रखा है, आप ऊपर देखो ना तो लगता है कि आप चींटी बराबर भी आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया है। ऊपर देखो तो कितने कितने बड़े बड़े सोल्स इन्होंने दुनिया बनाई। सोचो, कोई सोच सकता था कभी कि इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स हवा में फ्लाई करेंगी? कोई सोच सकता था कि न्यूक्लियर रिएक्टर बनेगा? कोई सोच के ऊपर की बात है, किसी ने तो सोचा। तो हमें तो
उस डायरेक्शन में देखना चाहिए कि हमें अपनी ज़िंदगी के मायने ढूंढने चाहिए कि हम क्या कुछ करके जा सकते हैं इस दुनिया में, कुछ ऐसा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि दुनिया हमें याद करे, कि दुनिया में अगर अभिषेक सिंह रहे या ना रहे तो लोगों को फ़र्क तो पड़े यार, आज अभिषेक सिंह चला गया, नहीं तो लोग कहेंगे कि यार अभिषेक सिंह था क्या, कभी क्या किया यार, पता नहीं, दिखाई नहीं दिया, समझ नहीं आया, आज वो है या नहीं है किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो ऐसी ज़िंदगी जी के फ़ायदा क्या। ऐसा माइंडसेट आपका बनाने में, ये आपका हमेशा से रहा या आपने ट्रेनिंग व्रेनिंग ली है या फिर बुक्स वगैरह ज़्यादा पढ़ते हैं? नहीं, अगर ऐसी ट्रेनिंग हो जाती फिर तो बुक्स पढ़ते हैं वैसे आप? बुक्स मैं बहुत पढ़ता हूँ, बहुत बुक्स पढ़ता हूँ। बुक्स मेरा जो पर्पस, मैं जिस पर्पस से मैं पढ़ता हूँ उस, वो इसलिए कि मैं बायोग्राफीज बहुत पढ़ता हूँ लोगों की, मैं समझना चाहता हूँ कि उनका थॉट प्रोसेस क्या रहा है, और इतने लोगों से मिल करके, इतने लोगों की बायोग्राफीज पढ़ करके एक चीज़ मैंने सीखी है कि सभी जितने अचीवर्स हैं उनके अंदर एक कॉमन ट्रेट है, दे आर एक्सट्रीमली ओपन माइंडेड, एक्सट्रीमली, बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड है, ओपन टू आइडियाज़, ओपन टू क्रिटिसिज्म, ओपन टू चैलेंजेस, ओपन टू न्यू अपॉर्चुनिटीज़, तो वो क्लोज नहीं करते कभी अपने आप को, और सीखने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है कि चलो अब ये नई चीज़ करते हैं, एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होता है। तो ये कुछ ऐसी ट्रेट्स हैं ना जो सारे के सारे अचीवर्स, चाहे इरिस्पेक्टिव ऑफ द फील्ड, चाहे आप एक्टिंग की फील्ड में देख लो, चाहे पॉलिटिक्स की फील्ड में देख लो, आप चाहे कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, किसी भी फील्ड में आप देख लो, लेकिन ये कॉमन ट्रेट्स आपको मिलेंगे, और अक्रॉस द वर्ल्ड, ये नहीं कि सिर्फ इंडिया के लोग, पूरे विश्व में सारे सक्सेसफुल लोग एक जैसा ही बिहेव करते हैं, वो कभी आपको नहीं मिलेंगे बैठ के दूसरों के बारे में गॉसिप करते हुए, इसकी बुराई करते हुए, अरे उसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, टाइम ही नहीं है उनके पास, इतने ज़्यादा वो कंज्यूम्ड रहते हैं अपने काम में, उनको दिखाई नहीं देता बाकी कुछ, उनको सिर्फ और सिर्फ अपना लक्ष्य दिखता है कि भाई ये करना है। कोई ऑटोबायोग्राफी जो है रिकमेंड करना चाहो आप ऐसे स्टूडेंट्स को? बहुत ढेर सारी हैं, आप एलन मस्क की पढ़ लो, आप बिल क्लिंटन के बारे में पढ़ लो, आप बराक ओबामा के बारे में पढ़ लो, ये इन लोगों के नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको वर्ल्ड का पर्सपेक्टिव मिलेगा, आपको ये समझ आएगा कि दुनिया में एक जो देश हमसे इतनी दूर है वहाँ पे एक व्यक्ति एक गरीब घर में पैदा होता है और बड़ा होता है, और क्या सोच करके बड़ा होता है, कैसे इतना कुछ करता है, वो पर्सपेक्टिव बहुत ज़बरदस्त आपको मिलेगा। बट दो किताबें मैं और ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगा, ये एक इजरायली साइंटिस्ट हैं, उनकी दो किताबें हैं जो बताती हैं कि ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ, एक तो सेपियंस है और दूसरी है होमोडुअस। ये दो बुक्स मुझे लगता है सबको पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ और ह्यूमंस का आगे क्या फ्यूचर है जो वो प्रिडिक्ट करते हैं। सेपियंस में है ये, सेपियंस और होमोडुअस दोनों में, होमोडुअस में ये, सेपियंस में तो एवोल्यूशन का है कि कैसे इवॉल्व हुआ। सुनो, मूवी बननी चाहिए। हाँ, 100% मूवी। उन्होंने जैसे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया, उन्होंने कहा कि मनी जो है वो फिक्शन है, सबसे बड़ा फिक्शन मनी है। तो जैसे मैं आपको 10 रुपये देता हूँ, मैं आपको एक नोट पकड़ा देता हूँ और मैं कहता हूँ कि जी इसको लेके चले जाओ, इसकी वैल्यू 10 रुपये है, और आप मान लेते हो, अगर आप इसको नहीं मानो तो कितना केओस हो जाएगा। तो कहते हैं अगर एक बंदर को दे दो, उसको बहुत तेज़ भूख लगी है, वो कहता है ये मेरे को बनाना दे दो, कहते हैं नहीं ये बनाना नहीं, तुम ये 10 रुपये पकड़ो, इसमें 2 बनाना आएंगे, और बनाना छीन लो उससे, वो 10 रुपये पकड़ा दो, वो काट लेगा आपको, मेरे को ये नहीं चाहिए, ये वो नहीं बिलीव कर सकता फिक्शन में। बट ह्यूमन बींग्स बिलीव कर सकते हैं, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी हो, मैं कहूँ कि भाई अरुण जी आप एक काम करो, ये खाना मुझे दे दो और मैं आपको ये पैसे देता हूँ, आप इसका डबल खाना खा लेना, आपको हाँ चलो यार अच्छा हो गया यार, बढ़िया डील हो गई। तो ये फिक्शन है, मैंने आपको दिया, मैंने आपको उस चीज़ में बिलीव कराया, आप बिलीव कर गए और फिर आपने जाके वो काम कर दिया, और इस फिक्शन के बेसिस पे ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है। अगर लोग इस फिक्शन पे बिलीव ना करें तो कितना क्योस हो जाए।
हर बंदा कहे कि नहीं मेरे को तो अभी चाहिए, मुझे नहीं लेना देना, ये पकड़ो अपने 10 रुपए का नोट, मेरे को खाना दो अभी। और शायद फिक्शन इसलिए सब लोग मानते हैं इस फिक्शन में, इसलिए दुनिया सब लोग मानते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है, आप देखो हर एक चीज़ में ब्रांडिंग कैसे होती है, ब्रांडिंग भी तो फिक्शन है ना। आपने बिलीव करा दिया कि जी मेरी क्वालिटी सबसे अच्छी है, फिक्शन। शेयर के प्राइसेस कैसे बढ़ते हैं, आपने बिलीव करा दिया कि मेरी कंपनी सबसे ज़्यादा ग्रो करेगी, सबसे ज़्यादा रिटर्न मैं दूंगा, पैसे लगा दिए लोगों ने। पॉलिटिक्स, आपने बिलीव करा दिया जी सबसे ज़्यादा ग्रोथ डेवलपमेंट सुख मैं दूंगा, आपको लोगों ने वोट दे दिया। फिक्शन ये जो जितना अच्छा फिक्शन क्रिएट कर सकता है और उसको सस्टेन कर सकता है वो उतना ही ऊपर जा सकता है। बट उस फिक्शन को क्रिएट करने और सस्टेन करने के लिए बहुत तप, त्याग, तपस्या की ज़रूरत है, वो इतना आसान भी नहीं है, वरना फिर आपका फिक्शन बस्ट हो जाएगा। आपने बोला तो कि जी हाँ मैं सबसे ज़्यादा काम करूँगा, मैं ग्रोथ पहुँचाऊँगा, और आप 12 बजे तक सो रहे हो तो काम कैसे होगा। तो कई बार आप फिक्शन बनाते बनाते उसे रियलिटी मानने लग जाते हैं। मानना ही भी चाहिए, अगर आपने ही नहीं रियलिटी मानी तो दुनिया कैसे मानेगी। आपके लिए तो रियलिटी ही है, वो दूसरे के लिए फिक्शन है। ओके, आपका तो सच है, आपके सच में, लेकिन मैं क्यों यकीन करूं, मेरे लिए तो वो फिक्शन है ना। तो अपने सच को दूसरे का भी सच बना देना, मेरे लिए तो रियलिटी, मैं तो जेन्युइनली चाह रहा हूं कि अगर मैं पॉलिटिशियन तो मैं जेन्युइनली चाह रहा हूं कि यार मैं सच में डेवलपमेंट करूंगा, मैं इतना लेकर के आऊंगा, बट मेरी इस बात को आप क्यों सच मानो। तो जितना ज्यादा सच मैं मानूंगा उतना ही ज्यादा तब मैं आपको बता सकूंगा। जैसे एक बहुत फेमस किस्सा था कि स्वामी विवेकानंद जी के पास एक लेडी एक अपने बच्चे को लेकर के गई और उसने बोला कि स्वामी जी ये ना अचार बहुत खाता है, इसको मना करिए। तो उनका अच्छा, तो कहते बेटा कैसे कितनी बार खाते हो, कहते जी मैं तो दिन में 3 टाइम खाता हूँ, हर बार बार खाने के साथ खाता हूँ। बोले अच्छा अच्छा, बोले ठीक है आप ऐसा करिए इनको ना 1 महीने बाद लेके आइएगा, फिर मैं बात करूँगा। कहते ठीक है। 1 महीने बाद लेकर के आई तो स्वामी जी ने कहा कि बेटा अचार खाना बुरी बात है, अचार खाना छोड़ दो, और अचार खाने से एसिडिटी होती है, इंडाइजेशन हो जाता है, और इतनी बार अचार नहीं खाना चाहिए, खाना भी हो तो कभी कभार खा लिया बट ऐसे भी मत खाओ। तो कहता ठीक है स्वामी जी। तो लेडी ने कहा कि अरे स्वामी जी अब आपको यही चीज़ बोलनी थी, तो 1 महीने का वेट क्यों कराया। बोले क्योंकि 1 महीने पहले मैं भी खाता था, तो मैंने सोचा पहले मैं छोड़ूं, जब ये मेरा सच बनेगा तब जा करके मैं इसको बोल पाऊंगा और ये कन्विंस हो सकेगा। जब तक ये मेरा सच ही नहीं है तब तक मैं इसको कैसे बोलूं। तो सबसे पहले तो उसको आपको सच मानना पड़ेगा, आपका सच बनाना पड़ेगा, उसको जीना पड़ेगा। आप सोचो आज़ादी की लड़ाई में अगर गांधी जी, नेहरू जी, भगत सिंह, इतने लोग अगर ये जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हुए थे, अगर वो उसको सच ना मानते तो लोगों को कैसे बिलीव कराते उस फिक्शन में। भाई जब उस टाइम पे लोगों ने बोलना शुरू किया यार हमको आज़ादी चाहिए, तो लोग कहते थे पागल हो क्या, किससे आज़ादी चाहिए, हम गुलाम कहाँ हैं, कैसी बातें कर रहे हो। तो ये समझाने में, बताने में कि भाई तुम गुलाम हो, कितने साल बीत गए। 1930 में तो पहली बार हम सोच पाए कि यार हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन तब पास हुआ है, वरना उसके पहले तो हम सिर्फ ये बात कहते थे कि जी जैसे बाकी लोगों को ट्रीट कर रहे हैं हमको भी वैसे ही ट्रीट करिए प्लीज़। हम तो इक्वालिटी की बात करते थे, फ्रीडम की तो बात ही नहीं करते थे। तब तक तो हम सिर्फ ये कहते थे जी हम हमारे साथ भी यार जस्टिस करिए, इक्वालिटी करिए, बट फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस की तो बात ही नहीं कर पाते थे, सोच ही नहीं सकते थे। तो वो पहले उन्होंने सोचा, अपना सच बनाया, तब जाके लोगों को बताया, फिर धीरे धीरे लोगों ने मानना शुरू किया। आज भी आप देखो कितना ज़्यादा कम्युनलिज्म है, कितना ज़्यादा कास्ट के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन है, कितनी लड़ाई झगड़े इन सब चीज़ों पे होते हैं। कोई रिजर्वेशन मांगता है, कोई रिजर्वेशन देना नहीं चाहता, कभी कितनी लड़ाई होती है, कभी एक अलग कम्युनिटी आ जाती है कि हमको भी रिजर्वेशन चाहिए। ये इसी वजह से तो है क्योंकि अभी तक लोग
इस चीज़ को बता नहीं पा रहे हैं कि सारी ह्यूमैनिटी एक है, इस सच को कोई जी नहीं पा रहा है। आपने पूरी ह्यूमैनिटी को डिवाइड कर दिया है अलग अलग देशों में, अलग अलग मजहब में, अलग अलग क्लास में, हर एक चीज़ पर डिवाइड है। उस सच को कोई एक इंसान भी अगर जी ले किसी दिन, एक इंसान भी इस चीज़ को ऐसा मान करके जी ले कि यार पूरी ह्यूमैनिटी एक है। हमारी फिलॉसफी तो यही, देखो आप हमारे देश की क्या फिलॉसफी है, भारत की फिलॉसफी है वसुधैव कुटुंबकम की पूरा विश्व एक कुटुंब है, एक परिवार है। तो जब आप एक परिवार होगे तो एक जैसे ही होगे ना। बट उसको जीने के लिए एक भी बंदा अगर इस तरीके से सोच करके जी रहे तो पूरे विश्व को जिला देगा, वो सिखा देगा। काफ़ी गहरी बात है। और ये आप पहले तो एक झूठ बनाओ, उस पर खुद भी यकीन करो, और जब आप खुद ही यकीन करोगे तब आप मेक श्योर कर पाओगे कि दूसरे भी यकीन करें, और फिर वो झूठ आपका सच बन जाएगा एक दिन। जो आपने बात बोली ना, सच और झूठ में फ़र्क क्या होता है? सच और झूठ में सिर्फ और सिर्फ फ़र्क होता है कन्विक्शन का, कि क्या आप कन्विंस्ड हो। अब मैं आपसे बोलूं कि यार आपने सफ़ेद रंग का कुर्ता पहन रखा है तो आप कैसी बात करते हो यार, सफ़ेद रंग का कहाँ है। अब मैं इनसे पूछूं कि भाई आप बताओ, आप उससे पूछूं, आपसे पूछूं भाई बताओ आप अरुण जी ने सफ़ेद रंग का कुर्ता पहना है कि नहीं, कहेंगे हाँ बिल्कुल सफ़ेद रंग का पहना है। तो अरे कैसी बात कर रहे हो भाई आप लोग। फिर आप एक सेल्फी खींच के भेजो किसी और को, जी सफ़ेद रंग का, वो कहें हाँ सफ़ेद रंग का है। 15-20 लोगों ने अगर बोल दिया कि सफ़ेद रंग का कुर्ता है, तो आपका किसी भी कलर का कुर्ता हो आप ये सोचने में मजबूर हो जाओगे कि यार सफ़ेद रंग का ही है, क्योंकि आपका कन्विक्शन उनके कन्विक्शन को बीट नहीं कर पाएगा। और अगर आपका कन्विक्शन, अब डिपेंड करता है आपका कन्विक्शन कितना स्ट्रांग है, कि आप 100 लोगों पर मानते हो, 1000 लोगों के बोलने पर बाद मानते हो, 10,000 लोगों के बोलने के बाद मानते हो, या मानते ही नहीं हो। तो सच और झूठ में सिर्फ फर्क है कि कन्विक्शन किसका कितना ज्यादा स्ट्रांग है, और कोई फर्क ही नहीं है। सत्य की तो, सत्य इस शब्द के ऊपर कितनी रिसर्च हुई है कि सत्य क्या है, किस चीज को सत्य कहा जाता है। जैसे अभी तक मृत्यु को कहा जाता था, अब आप कह रहे हो एक टाइम पे वो भी नहीं रहेगा। वो भी नहीं रहेगा तो सोचो वही चेंज हो गया, कुछ नहीं बचेगा फिर सत्य। सत्य बचेगा, कन्विक्शन बचेगा, कन्विक्शन ही सत्य है। आप जिस चीज पे कन्विक्शन है आपका, बस वही सत्य है, वो आपका सत्य है। सत्य हमेशा किसी न किसी का ही होता है, विश्व का एक सत्य कभी नहीं हो सकता, पूरे विश्व का एक सत्य नहीं हो सकता। अभी तक मृत्यु है, जन्म है, पूरे विश्व का एक सत्य, बट पूरे विश्व का एक सत्य होना बहुत मुश्किल है। सो अभिषेक जी, इस पॉडकास्ट में काफ़ी आपके फ्लेवर्स देखने को मिले हमें, और इस पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि इंडिया का फ्यूचर आप कैसा देख रहे हैं? सी, इंडिया का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, और अभी हाल ही में एक चीज़ जो सबसे अच्छी हुई है कि प्रधानमंत्री जी ने पहली बार देश के विकसित होने की तारीख तय कर दी है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, जो कि आज तक नहीं हुई थी। हम कहते तो थे कि जी हम विकासशील देश हैं, विकसित होने की ओर अग्रसर हैं, बट हम किस डेट को, किस तारीख को हम विकसित होंगे, वो अभी तक कभी बात नहीं हुई थी। तो वो एक डेट तय हुई, टारगेट निश्चित हो गया है। दूसरी बात उन्होंने बहुत अच्छी कही, उन्होंने कहा कि एक विकसित देश को, विकसित होने के लिए देश के हर एक नागरिक का जो चरित्र है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो राष्ट्र चरित्र के निर्माण की बात कही, हर एक नागरिक का जब चरित्र निर्मित होगा, चरित्र स्ट्रांग होगा, तब जाके पूरे राष्ट्र का चरित्र अच्छा हो पाएगा, उत्तम हो पाएगा। जब हम चरित्र की बात करते हैं, आप अगर देखो कि चरित्र अच्छा होने से क्या होगा, तो फॉर एग्जांपल मैं आपसे कोई कमिटमेंट करता हूँ, मैं उस कमिटमेंट में फेल कर जाता हूँ, उस कमिटमेंट को फेल होने के बाद जब मैं समाज में जाता हूँ तो लोग मुझे देखते हैं कि यार इसने ये कमिटमेंट फेल करी,
बट इसने कितना धन अर्जित कर लिया, कितना रिसोर्स अर्जित कर लिया। तो अब क्या समाज मुझे आइडियल दृष्टि से देखेगा कि इसने अच्छा काम किया है या इसने खराब काम किया है? अगर समाज ये कहता है, जिस समाज में वापस जाता हूँ वो कहता है कि तुमने बहुत गलत काम किया है, ये जो तुमने पैसे कमाए गलत तरीके से कमाए, जा करके उनको वापस दे के आओ, तब तो आपके राष्ट्र का, पूरे समाज का चरित्र, पूरे राष्ट्र का चरित्र उत्तम होगा। और अगर समाज कहता है कि नहीं जी तुमने ठीक काम किया, बढ़िया कर लिया यार, अगर ऐसा नहीं कहता तो पैसे कैसे आते हैं, तो आप एक जहर बो रहे हो पूरे समाज में। कोई किसी कमिटमेंट को ऑनर नहीं करेगा, तो बाहर से कभी भी लोग आपके पास आएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि भाई इस देश में लोग कमिटमेंट को ही नहीं ऑनर करते। एक दूसरे के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, कभी भी देश उन्नति नहीं कर पाएगा। मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको ऊपर पकड़ के खींच रहा हूं और आप इस भरोसे पे आ रहे हो कि यार मैं, ये मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा, और मैं ऊपर तक आने के बाद मैं आपका हाथ छोड़ दूं, तो इस तरीके का अगर मैं चरित्र डिस्प्ले करूंगा, सब लोग देखा देखी ऐसा ही करेंगे, तो कभी भी कोई किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पाएगा। पूरी सोसाइटी ऐसी हो जाएगी कि कोई किसी के ऊपर किसी भी प्रकार का दांव नहीं खेल सकता। जब ऐसा हो जाएगा तो फिर आप बढ़ोगे कैसे आगे, टीम कैसे आगे बनेगी, कैसे लोग आगे बढ़ेंगे? तो राष्ट्र चरित्र की बहुत अच्छी बात कही। मैं लोगों से भी हमेशा ये कहता हूँ, जैसे हम लोग ना बहुत ढेर सारी रील्स बनाते हैं, कोई कभी गाने पे बना दिया, कभी किसी पे बना दिया, बट हम लोग देश के लिए कभी सोच के कुछ नहीं बनाते। कभी हम ये नहीं सोचते कि यार 2047 तक अगर हमें विकसित बनना है तो हमें क्या करना चाहिए, चलो इसके ऊपर भी बना देते हैं। थोड़ा तो अध्ययन करो, थोड़ा सा तो सोचो। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सुनी सुनाई बातें, अरे सरकार ने ये गलत कर दिया, इस आदमी ने ये गलत कर दिया, उसने वो ख़राब चीज़ बोल दी, बिना किसी रिसर्च के हमने भी उठाया माइक और मैंने भी बोल दिया कुछ भी जो मन में आया, ये नहीं समझते कि इसका असर क्या होने वाला है। तो हम ऐसा गंभीर चरित्र डेवलप करना चाहिए कि जब भी आप कुछ भी बोल रहे हो तो कम से कम आपने तो उसके ऊपर रिसर्च कर रखी है, आपने तो अध्ययन कर रखा है, आपने तो पढ़ाई कर रखी है, आपने तो समझ रखा है, उसके ऊपर एक समझ तो डेवलप करी हुई है। ओपिनियन हमेशा इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे होनी चाहिए। सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन, सुनी सुनाई बातों के ऊपर आप ओपिनियन फॉर्म कर लो, उसका कोई मतलब नहीं, वो ओपिनियन का कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर आपकी ओपिनियन है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्या है हमारे समाज की, कि हमारे पास ओपिनियन ज़्यादा, इन्फॉर्मेशन कम है। हर एक बंदे से आप पूछो उसके पास ओपिनियन ज़रूर होगी, बट अगर आप उससे पूछो जी इन्फॉर्मेशन है, आप उससे पूछ लो इस स्कीम का मतलब पता है, क्या है स्कीम, नहीं जी ये नहीं पता, बट ये पता, ख़राब है स्कीम यार, गड़बड़ है ये, कैसे भाई, यार हमें ये पता है यार, ये पॉलिटिशियंस काम नहीं करते यार, ये अधिकारी काम नहीं करते, ये सरकार यार बेकार है। पता है आपको सरकार की मजबूरियाँ क्या हैं? क्या आपने कभी काम करके देखा है, कभी आप जा करके देखे, समझे, किसी से बात करी आपने? नहीं जी, मुझे सुना है, मैंने सुना है लोग ऐसे कहते हैं। तो कैसे करोगे आप? हमारे देश में दंगे होते हैं, लोग जाके पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ना शुरू कर देते हैं, बस स्टैंड फूंकने लगेंगे, पुलिस स्टेशन फूंकने लगेंगे। अरे भाई वो आपकी है, आपके अंदर इतनी समझ नहीं है कि आपके पैसों से बनी है, आप अपना ही अपनी चीज़ ख़राब कर रहे हो। तो कैसे आप फिर देश के बारे में सोचते हो, क्या देश बढ़ेगा आगे, समझ ही नहीं है। मैं अभी एक इनफैक्ट कुछ दिनों बाद अभी हम लोग कुछ एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, हम लोग मिलकर के कॉन्टेस्ट करने वाले हैं कि लोगों ने रील्स बनाई हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए, चलो एक रील बनाते हैं देश के लिए, ज़रा थोड़ा समझ में तो आएगा, आपको भी अपने देश के बारे में समझ में आएगा, आप भी थोड़ा पढ़ो समझो क्या स्कीम्स चल रही हैं, हमारा देश कहाँ है, पिछले कुछ सालों में कितनी तरक्की करी, आगे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे आप बनाओगे देश को विकसित भारत, कैसे आप डेवलप करोगे, और जब हो जाएगा तो क्या होगा, हमारी ज़िंदगी में क्या बदलाव आएंगे, विकसित देश होता क्या है, इस शब्द का मतलब तो समझो। तो इसके बारे में हम लोगों को, मुझे लगता है हर एक नागरिक को अध्ययन करना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, समझना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए। जितना ज़्यादा इन बातों पर डिस्कशन होगा तभी तो मिस इन्फॉर्मेशन गायब होगी, वरना तो सिर्फ ओपिनियंस ही फ्लोट करती रहेंगी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, इलॉजिकल ओपिनियंस जिनका कोई बेसिस नहीं है। बट ऑल सेड एंड डन, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है। और आप अगर इस वक्त के सिनेरियो पे देखो तो पूरा वर्ल्ड इंडिया को देख रहा है, पूरा वर्ल्ड, सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन है हम,
सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग लोग हैं, सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड लोग हैं, जुझारू हैं। हम लोग जिस परिवेश में पले बढ़े हैं, जैसे मैंने आपको बताया, हम जो हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो हमारा कल्चर है। इतनी वेल निटेड सोसाइटी है कि हम लोग जॉइंट फैमिली कल्चर है हमारे यहाँ। बड़ों का आदर करना, सत्कार करना, बड़ों की बात को नहीं काटते, इन सबसे सोसाइटी संगठित होती है और एक संगठित समाज बहुत तेज़ी से तरक्की कर सकता है। आप लोगों को बाइंड कर सकते हो, आपकी बात लोग सुन रहे हैं, क्योंकि हमारे हमेशा से कल्चर रहा है कि भाई हेड ऑफ द फैमिली ने जो बोल दिया वो फाइनल है। तो उससे सोसाइटी संगठित होती है, सुखी रहती है, आप डिप्रेशन में नहीं जाते, अकेले पड़े हो, कोई है नहीं पूछने वाला। ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हैं हमारे देश की, ये लोगों को समझनी चाहिए, इन पे चर्चा करनी चाहिए। जैसे आप राजचरित्र की बात कर रहे हो, जापान में देखने को मिलता है ये। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। कि वहाँ पर अगर जैसे लाइट चली गई या कुछ हो गया तो लोग मॉल में तो सामान छोड़ के चले जाते हैं। और अभी एक रील देख रहा था मैं इंस्टाग्राम में कि कोई ट्रक आ रहा है, चिकन थे उसमें ढेर सारे, ट्रक की एक्सीडेंट हो गया, लोग चिकन ले लेके भाग रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाता है ट्रेन का, लोग ज्वेलरी उठा उठा के भाग जाते हैं। सो ये चरित्र में डिफरेंस हमें जापान से सीखना चाहिए। अब आप बताओ, कोई भी देखेगा इसको, जिसकी फैमिली, जिसका फैमिली वाला ट्रक चला रहा होगा, वो अगर देखेगा इस वीडियो को तो क्या बीतेगी उसके ऊपर, यार मेरा हस्बैंड, मेरा बेटा वहाँ पे मर गया एक्सीडेंट में, या उसको चोट लग गई, और वहाँ किसी को परवाह नहीं कि चिकन निकाल के भाग रहे हैं, कोई बंदा उनमें से रोक नहीं रहा था, और जो लोग शूट कर रहे थे वो भी शूट कर रहे थे। तो ये बेसिकली वो राजचरित्र है जिसकी बात हो रही है। और जिसने भी रील बनाई, अब ऐसे लोगों को अगर सोसाइटी एनकरेज करी तो वैसा ही चरित्र डेवलप होगा। अब ऐसे लोगों को अगर डिस्करेज किया जाए, ऐसे लोगों को बैश किया जाए, ऐसे लोग जिन जो लोग लोकल लोग पहचानते होंगे कि भाई ये बंदा था जो ऐसे करके भाग रहा था, अगर उसके बारे में लोग बोलें कि भाई ये तो बहुत गलत काम किया यार आपने, बहुत ही ज़्यादा आपने हमारी छवि धूमिल कर दी, उसके परिवार वाले उसको बोलें, उसके दोस्त बोलें कि यार कितना गलत काम किया यार तुमने, अच्छा अच्छा लगा किसी का एक्सीडेंट हो गया तुम ये करके भागा, और चुराई भी तो क्या, एक चिकन क्या हो गया, क्या हो गया उससे, बट उससे जो सोसाइटी में जो आपने आघात पहुंचाया, एक सोशल कॉन्शियसनेस को आप आघात पहुंचा रहे हो ना, एक धीरे धीरे डेवलप हो रही है वो अच्छाई की तरफ, आप उसको उसके ऊपर चोट कर रहे हो आप, वो कितना डैमेजिंग इफेक्ट है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और आ गया मन में, क्या आप नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर किसको देखते हैं? नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो भी होगा, मोदी जी ने इतना हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिया है हर एक चीज में, काम में, विजन में, एग्जीक्यूशन में, उसको मैच करना पड़ेगा। कोई नाम है आपके मन में? अभी तक तो दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। थैंक यू सो मच अभिषेक जी हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, और हम दोबारा आपको जरूर बुलाना चाहेंगे। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा। राधे राधे।